नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से DHP न्यूज चैनल पर। आपको बताएंगे हिमाचल की हर बड़ी खबर। तो बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, साथ ही वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। हिमाचल में भारी बर्फबारी से 287 सड़कें बंद, 400 बसें फंसी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, पर्यटन नगरी मनाली, डलहौजी और धर्मशाला के नड्डी में गुरुवार को नए साल की पहली बर्फबारी हुई। हिमाचल प्रदेश में जारी बारिश बर्फबारी से 3 नेशनल हाईवे समेत करीब 207 सड़कें बंद हो गई हैं। प्रदेश भर में 472 बस रूट प्रभावित हैं और परिवहन निगम की 400 से अधिक बसें जगह जगह फंस गई हैं। हिमाचल के 8 जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्र बर्फ से लकदक हो गए हैं। प्रदेश में घूमने आए सैलानी बर्फबारी के बीच जमकर मस्ती कर रहे हैं। सुबह 10 बजे शुरू हुई बर्फबारी के बाद दोपहर 12 बजे शिमला शहर में यातायात ठप हो गया। राजधानी का अपर शिमला से संपर्क कट गया है। लाहौल, किन्नौर और पांगे घाटी भी अलग थलग पड़ गई है। हिमाचल पुलिस की बड़ी कामयाबी, 30 करोड़ की हेरोइन के साथ विदेशी नागरिक किया गिरफ्तार। करीब एक महीने पहले 127 किलो चरस पकड़ने के बाद एक बार फिर कुल्लू पुलिस सुर्खियों में आ गई है। इस बार पुलिस ने दिल्ली में 30 करोड़ से अधिक की 6 किलो 297 ग्राम हेरोइन पकड़ी है। हिमाचल प्रदेश पुलिस के इतिहास में हेरोइन की यह अब तक की सबसे बड़ी खेप है। हेरोइन के साथ पुलिस ने 362 ग्राम गांजा भी पकड़ा है। इस कार्रवाई के लिए कुल्लू पुलिस की एक टीम पिछले कई दिन से दिल्ली में डेरा डाले हुए थी। कुल्लू पुलिस की सफलता के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और DGP संजय कुंडू ने SP गौरव सिंह की पीठ थपथपाई है। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक आज, बजट सत्र और शिक्षण संस्थानों पर होगा फैसला। राजधानी शिमला में भारी बर्फबारी के बावजूद हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को राज्य सचिवालय में होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने जा रही इस बैठक में बजट सत्र की तिथियां निर्धारित करने के मामले में निर्णय होगा। बजट सत्र 26 फरवरी के बाद संभावित है। शुक्रवार को यह तय हो जाएगा कि इसे कब से कब तक रखा जाना है। कोरोना संकट के चलते सरकार ने शीत सत्र को रद्द कर दिया था। ऐसे में इस सत्र के लिए निर्धारित कार्य आगे टाल दिए गए हैं। ऐसे में बजट सत्र में जहां आगामी वित्तीय वर्ष का बजट पारित किया जाना है, वहीं कई अहम फैसलों पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा आगामी दिनों में स्कूलों को खोलने के SOP पर भी चर्चा हो सकती है। कर्मचारी चयन आयोग ने तकनीशियन भर्ती का परिणाम किया घोषित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने वीरवार को तकनीशियन पोस्ट कोड 770 के 4 पदों के लिए ली गई परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग ने 24 सितंबर 2020 को लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण 15 अभ्यर्थियों की मूल्यांकन परीक्षा 18 जनवरी को ली थी। इस परीक्षा में 4 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। निजी विश्वविद्यालय को तुरंत बंद कर इसकी मान्यता रद्द करें। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा ने आरोप लगाया कि सरकार सोलन जिले के बहुचर्चित निजी विश्वविद्यालय मानव भारती में हुए फर्जी डिग्री मामले को दबाने का प्रयास कर रही है, इसलिए इसकी पूरी जांच CBI से करवाई जाए। विश्वविद्यालय को बंद कर तुरंत इसकी मान्यता रद्द की जाए। देश के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा फर्जी डिग्री मामला सामने आया है। प्रदेश सहित देश के 17 राज्यों और विदेशों तक में डिग्रियां बेची गई हैं। प्रिंसिपलों को रोज निदेशालय भेजनी होगी विद्यार्थियों, शिक्षकों की हाजिरी। हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में आने वाले विद्यार्थियों सहित शिक्षकों और गैर शिक्षकों की हाजिरी की सूचना रोजाना दोपहर तक उच्च शिक्षा निदेशालय भेजना अनिवार्य कर दिया गया है। बुधवार को उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला उप निदेशकों के साथ बैठक की। उच्च शिक्षा निदेशक ने बताया कि 15 फरवरी से खुलने वाले शीतकालीन स्कूलों में विद्यार्थियों की सैद्धांतिक कक्षाओं और विज्ञान विषय की प्रायोगिक परीक्षाओं के साथ साथ इकाई परीक्षण और अध्याय परीक्षा भी करवाई जाएंगी। 10वीं और 12वीं कक्षा की मार्च महीने के दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित प्री बोर्ड परीक्षाओं के बाद तुरंत प्रभाव से दोनों कक्षाओं की सुधारात्मक कक्षाएं लगाई जाएंगी। प्री बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। परीक्षाओं के साथ ही परिणाम निकालने की तैयारी करेगा हिमाचल शिक्षा बोर्ड। अप्रैल माह में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के साथ ही स्कूल शिक्षा बोर्ड परिणाम निकालने की तैयारियां भी शुरू कर देगा। गैर हाजिर छात्रों का खाका तैयार किया जाएगा। वहीं प्रैक्टिकल परीक्षाओं के अंकों को भी ऑनलाइन दर्ज करवाने की सुविधा स्कूलों को दी जाएगी। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अप्रैल माह से बोर्ड परीक्षाएं करवा रहा है। कोविड काल में परीक्षा परिणाम को निकालने में किसी प्रकार की देरी या दिक्कत ना हो, इसके लिए परीक्षाओं के साथ ही
परिणाम निकालने की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। बोर्ड प्रबंधन की माने तो पेपर मूल्यांकन के लिए प्रशिक्षकों के लिए समय निर्धारित किया जाएगा, ताकि प्रशिक्षक समय रहते पेपर का मूल्यांकन कर उनके रिजल्ट को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। कोरोना काल में शक्तिपीठों में चढ़ा करोड़ों का चढ़ावा। कोरोना काल में भी हिमाचल प्रदेश की शक्तिपीठों में करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ा है। करीब 6 महीने तक शक्तिपीठों के कपाट बंद रहने के बावजूद श्रद्धालुओं ने करोड़ों का नकद चढ़ावा और सोना चांदी मां के चरणों में अर्पित किए हैं। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने 32.89 करोड़ रुपए नकद चढ़ावा चढ़ाया है। वर्ष 2020 में प्रदेश के 5 शक्तिपीठों श्री ब्रजेश्वरी देवी, श्री ज्वालामुखी, श्री नैना देवी, श्री चामुंडा देवी तथा श्री छिन्नमस्तिका धाम चिंतपूर्णी में श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में 32,89,22,361 रुपए का चढ़ावा चढ़ाया है। इसके अलावा 3 किलो 489 ग्राम सोना और 2 क्विंटल 116 ग्राम चांदी प्राप्त हुई है। मेधा प्रोत्साहन योजना में अब ऑनलाइन कोचिंग लेंगे विद्यार्थी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार मेधावी विद्यार्थियों को अब ऑनलाइन कोचिंग के लिए भी पैसा देगी। कोविड-19 को देखते हुए सरकार ने मेधा प्रोत्साहन योजना में संशोधन कर दिया है। पात्र विद्यार्थियों से 10 फरवरी तक ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग लेने के लिए संस्थानों का चयन कर आवेदन करने को कहा है। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले और कॉलेजों के पात्र 500 विद्यार्थियों को सरकार योजना में कोचिंग देने के लिए 1,00,000 रुपए की राशि देती है। सालाना 2.50 लाख आय वाले परिवारों के विद्यार्थी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने स्कॉलरशिप आवेदन की तिथि बढ़ाई। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च 2020 में संचालित की गई 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के मेधावी छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की तिथि 28 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, जिसका सारा उत्तरदायित्व संबंधित विद्यार्थी और प्रधानाचार्य का होगा। देश में हर 100 में से 21 लोगों को हो चुका है कोरोना, तीसरे सीरो सर्वे में खुलासा। देश में कोरोना को लेकर हुए तीसरे सीरोलॉजिकल सर्वे के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। तीसरे सीरो सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक देश में हर 100 में से 21 लोगों को कोरोना हो चुका है। हैरानी की बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर को कोरोना संक्रमण होने की जानकारी ही नहीं है, लेकिन जब इन लोगों के सैंपल लिए गए तो इनमें कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी पाई गई। सीरो सर्वे के मुताबिक महिलाओं और बच्चों में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस होने की पुष्टि हुई है। बिलासपुर लेह रेल लाइन को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट बनाने की कवायद। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर लेह रेल लाइन को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट बनाने की कवायद शुरू हो गई है। उत्तर रेलवे के मुख्य परियोजना निदेशक ने शिमला में प्रदेश सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर इस पर चर्चा की। बैठक में तय हुआ कि इस रेल लाइन को उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला के पैटर्न पर राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित करने के लिए सीएम जयराम पीएम को पत्र लिखेंगे। नेशनल प्रोजेक्ट घोषित होने के बाद सीधे वित्त मंत्रालय इसके लिए फंड जारी करेगा।